नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इस एग्रीमेंट पर नोएडा एयरपोर्ट के सीईओ अरुण वीर सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस एग्रीमेंट के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में महत्वपूर्ण शेयर करना होगा। साथ ही उसे अपनी ओर से इस कंपनी के बोर्ड में दो डायरेक्टर नियुक्त करने भी होंगे और ये दो डायरेक्टर अरुण वीर सिंह और यूपी सिविल एविएशन के डायरेक्टर विकास अय्यर होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ज्यूरिख इंटरनेशनल के साथ मिलकर एनसीआर इलाके में एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के सपने को साकार करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसके लिए एग्रीमेंट के अनुसार यूपी सरकार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बिजली, पानी, जल निकासी का काम जल्द ही शुरू कर देगी। यूपी सरकार एयरपोर्ट और आसपास पर सुरक्षा के विशेष इंतजामों के साथ साथ एयरपोर्ट निर्माण और उसे चलाने की जरूरी अनुमतियां भी तेजी से दे देगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने से प्रदेश में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पर्यटन और निर्यात बढ़ेगा और इस तरह न सिर्फ प्रदेश का आर्थिक विकास होगा बल्कि यहां रोजगार भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि जेएल एयरपोर्ट को लेकर पिछले कई सालों से तैयारियां जोरों पर है और अब तस्वीरें जो आप देख सकते हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैप कितना बेहतरीन है। अगर मैप इतना बेहतरीन है तो जब ये सारी चीजें धरातल पर होंगी तो कितना बेहतरीन ये एयरपोर्ट होगा। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है जो कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा और उसमें तमाम सुविधाएं जो है वो भी रखी जाएंगी। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं उसका भी विकास होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं और जल्द ही इसको लेकर एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि इस जेवर एयरपोर्ट को लेकर पिछले कई सालों से बातें हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बार ये संदेश दिए गए हैं कि जल्द ही इसका शिलान्यास होगा और इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। कई बड़ी कंपनियां हैं जो इसके साथ जुड़ गई हैं। अब इसका विकास धीरे धीरे बढ़ेगा। हालांकि कोरोना की वजह से कई जगहों पर जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, रुके हुए हैं। भारत ने शनिवार को फरीदाबाद के खोरीगांव मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ समूह की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण और पद का दुरुपयोग करार दिया है। कहा है कि उन्हें किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कानून के शासन को कमजोर करने से बचना चाहिए। समूह ने भारत सरकार से खोरीगांव से करीब 1,00,000 लोगों को हटाए जाने की कार्रवाई रोकने का आह्वान किया। जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एक बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मिशन को संयुक्त वक्तव्य भेजे जाने के केवल 2 दिन बाद ही विशेष प्रतिवेदक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया है और प्रतिक्रिया दी जाने तक भी इंतजार नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने शुक्रवार को भारत से फरीदाबाद के खोरीगांव में अतिक्रमण अभियान के तहत लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को नहीं हटाने का आह्वान करते हुए कहा था कि महामारी के दौरान निवासियों को सुरक्षित रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और यही प्राथमिकता भी होनी चाहिए और लोगों को हटाना संबंधी उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि बेहद ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। इसके बाद ये बयान सामने आया है। आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खोरीगांव में वहां पर जो बुलडोजर है वो लोगों के घरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से पूरी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। लोग जो हैं वो लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इकट्ठा हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन कोर्ट की तरफ से जरूर इस पूरे मुद्दे को लेकर फटकार लगाई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद के खोरीगांव में। आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले ही इस खोरीगांव में जो लोग हैं वो आकर बसना शुरू हुए थे और आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो जमीन है वो सरकारी है, इस पर किसी का कोई हक नहीं है, लेकिन वहां पर प्लॉट्स काटे गए, लोगों को वहां पर बसाया गया, कॉलोनी बसाई गई, उसके बाद अब उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोरोना काल में लोग वैसे ही बहुत ज्यादा प्रभावित है, प्रताड़ित है
और बहुत ज्यादा दुखी हैं। ऐसे में उन्हें उनके घर से बेदखल करना, उनके आशियानों पर बुलडोजर चलाना बेहद गलत है। खुद कोर्ट इस बात को लेकर संवेदनशील बना हुआ है। भारत की पहले महिला डॉक्टरों में से एक कांदीबिनी गांगुली को उनके 160वें जन्मदिन पर याद किया गया। गूगल ने उनके जीवन और कार्य का सम्मान करते हुए जन्मदिन पर डूडल भी बनाया है। गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को हुआ था और वे 1884 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। 19वीं सदी के स्टैंडर्ड के अनुसार यहाँ एक असाधारण उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय मेडिकल कॉलेज एडमिशन लेने वालों में लगभग पुरुष ही होते थे। कांदीबिनी गांगुली ने मुंबई की रहने वाली आनंदीबाई जोशी जैसे अन्य महिला डॉक्टरों के साथ महिलाओं के लिए भारत में एक सफल मेडिकल प्रैक्टिस का बीड़ा उठाया था। संयोग से भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी, इस सवाल को इस तथ्य से सुलझाया जा सकता है कि गांगुली और जोशी दोनों ने 1886 में मेडिसिन में अपनी डिग्री हासिल की थी। गांगुली ने कलकत्ता मेडिसिन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, वहीं जोशी ने वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका से अपनी डिग्री हासिल की है। हालांकि जोशी 1897 में 21 साल की उम्र में असामयिक मृत्यु होने से उनका करियर छोटा ही था। कांदीबिनी गांगुली 1886 में दक्षिण एशिया में यूरोपीय मेडिसिन में ट्रेन होने वाली पहली महिला डॉक्टर बनी है। 3 साल बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के मंच पर आने वाली पहली महिला थी। तो आज गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें सम्मान व्यक्त किया है। तो कांदीबिनी गांगुली को आज याद किया जा रहा है। 160वीं आज उनकी पुण्यतिथि है, जिसको लेकर गूगल ने डूडल बनाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन के बाद लोगों को आने जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस बीच लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जरूर देखे जा सकते हैं। दार्जिलिंग पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करते हुए कम से कम 100 लोगों को हिरासत में ले लिया। शहर में ही नहीं बल्कि पुलिस ने दुकानों पर छापेमारी कर उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर सिर पर है, लेकिन लोग इससे बेखबर है और बेबाक होकर सड़कों पर निकल रहे हैं और बिना मास्क के ही देखे जा सकते हैं। लोग बाहर ना निकले, अपने मुंह को ढककर रखें, बाहर ना निकले, इसको लेकर लगातार सरकार पूरी तरह से गाइडलाइन जारी कर रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहती है। उसके बाद भी कई लापरवाह लोग ऐसे हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब चालान के डर से कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि लोग पुलिस को देखकर, प्रशासन को देखकर मास्क जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद ही इतना जिम्मेदार बनना है, क्योंकि तीसरी लहर जो है वो सर पर खड़ी हुई है। आसपास के देशों की बात की जाए तो अलग अलग वेरिएंट लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। कई देशों में मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर भारत की बात की जाए, दूसरी वेव के बाद मामले तो कम हुए हैं, लेकिन अब तक शून्य नहीं हुए हैं। ऊपर से विशेषज्ञ लगातार थर्ड वेव को लेकर बातें करने लगे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं, सरकार को आगाह कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कई जगह पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ढील दी गई है लॉकडाउन के बाद, उसका लोग फायदा उठा रहे हैं, बेबाक होकर धड़ल्ले से घूम रहे हैं बिना मास्क के। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है। मध्य प्रदेश सागर जिले के झाना में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब चाइम्स एविएशन एकेडमी का एक विमान रनवे छोड़कर फेसिंग तोड़ते हुए सड़क पर उतर गया। गनीमत रही कि इस दौरान जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं। इस दुर्घटना में ट्रेनी महिला पायलट इशिका शर्मा सुरक्षित बताई जा रही है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक शनिवार की दोपहर जब विमान टेक ऑफ कर रहा था, उसी समय ट्रेनी पायलट विमान से अपना कंट्रोल खो बैठी और विमान फेसिंग तोड़ बाहर सड़क पर आ गया। विमान सड़क किनारे झाड़ियों में जाकर रुक गया। जानकारी मिलते ही चाइम्स वीक्षण एकेडमी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने विमान को कपड़े और नेट से ढक दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हादसे पर ट्वीट किया है और एक जांच दल घटनास्थल पर भेजने का निर्देश भी दे दिया है। आपको बता दें कि यहां पर ट्रायल हो रहा था, जिसको लेकर जो कंट्रोल है वो महिला पायलट खो बैठी, जिसके बाद रनवे की फेसिंग तोड़ते हुए विमान सड़क पर आ गया। हालांकि जो पायलट है वो सुरक्षित बताई जा रही है, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है।
फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नाम की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को कहा है कि इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों और साइबर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दिनों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में वृद्धि हुई है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट सोमवार से लागू हो जाएगा। गुलाबी जनमैत्री बीट गश्ती दल जो इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है उन घरों का दौरा करेगा जहां घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया जाते हैं और पड़ोसी पंचायत सदस्यों से विवरण एकत्र किया जाएगा। यह उस क्षेत्र के पुलिस थाने के संबंधित थाना प्रभारियों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला पुलिस अधिकारियों सहित विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम केएसआरटीसी स्टेशनों स्कूलों कॉलेजेस के पास और अन्य सार्वजनिक स्टेशनों पर मौजूदा रहेंगे। सभी जिलों में पिंक कंट्रोल रूम काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा असामाजिक तत्वों का पता लगाने के लिए पिंक शेडो गश्ती दल और पिंक रोमियो भी पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का हिस्सा होने जा रहा है। तो केरल में एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण योजना शुरू होने जा रही है जो कि सोमवार से लागू हो जाएगी। ये केवल और केवल महिलाओं के लिए होगा। केरल में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है जो कि घर घर जाकर गश्ती करेंगे। जो घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं होती हैं सबसे ज्यादा वो घर से नहीं निकल पाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो घुटती रहती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती है लेकिन शिकायत दर्ज नहीं कराती, कई बार इज्जत के डर से, कई बार परिवार के डर से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खुद ये जो पूरी टीम होगी वो जाएगी, चेक करेगी कहां पर मामले ज्यादा हैं। थानों का भी यहां दौरा किया जाएगा, साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस और तमाम जो ऐसे स्थान हैं जो कि पूरी तरह से संवेदनशील होते हैं वहां पर जाकर ये जो गश्त है वो हुआ करेगी। फ्रांस ने भारत में उत्पादित कोविड 19 के टीके एस्ट्राजेनेका की खुराक लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को देश में आने की अनुमति दे दी है। यह फैसला आज से प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री के शनिवार को जारी बयान के मुताबिक इसके साथ ही फ्रांस ने कोरोना वायरस के डेल्टा प्रकार के संक्रमण को रोकने और अस्पतालों को दबाव से बचाने के लिए सीमा पर जांच और कड़ी कर दी है। फ्रांस ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित एस्ट्राजेनेका टीका लगवाने वालों को देश में आने की अनुमति यूरोपीय संघ द्वारा केवल यूरोप में उत्पादित एस्ट्राजेनेका टीके को मान्यता देने पर हुई आलोचना के बाद दी है। कई यूरोपीय देश पहले ही भारत में निर्मित एस्ट्राजेनेका टीके को मान्यता दे चुके हैं जिनका बड़े पैमाने पर ब्रिटेन और अफ्रीका में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रत्येक देश में अलग अलग नियम होने की वजह से इस साल गर्मी की छुट्टियों में यात्रा करना और जटिल हो गया है। फ्रांस ने अब तक चीन या रूसी टीकों को मान्यता नहीं दी है। यूरोपीय संघ के औषधि नियामक ने अब तक फाइजर बायोटेनिक मॉडर्ना जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका के टीके को अधिकृत किया है। तो आखिरकार फ्रांस ने एस्ट्राजेनेका टीका लगवाने वालों को देश में एंट्री दे दी है। आपको बता दूं कि जो कोविशील्ड लगवा रहे हैं उसको भी एंट्री मिल गई है लेकिन आपको बता दूं कि फ्रांस ने अब भी अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित किया हुआ है। फ्रांस में लगातार मामले बढ़ रहे थे जिसको लेकर ये पूरी तैयारियां की गई हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर कोहिनिस्तान जिले के दासू इलाके में निर्माणधीन दासू बांध परियोजना स्थल पर बस में हुए विस्फोट पर चीन ने सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि इस घटना में 9 चीनी नागरिकों और फ्रिंटर कॉपर्स के 2 सैनिकों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और 39 अन्य घायल हुए हैं। विस्फोटक के बाद बस गहरी खाई में गिर गई। इस आतंकी हमले में चीनी नागरिकों के मारे जाने की घटना से पूर्व में हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता आया चीन भी अब उससे नाराज नजर आ रहा है। इस घटना को लेकर चीन की सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट के मुताबिक सीधे तौर पर पाकिस्तान की क्षमताओं पर सवाल उठाए गए हैं। ट्वीट में लिखा गया इस हमले के लिए जिम्मेदार कायर आतंकी अब तक सामने नहीं आ पाए हैं लेकिन वे निश्चित रूप से खोजे जाएंगे और उन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान की क्षमताएं पर्याप्त नहीं है तो इसकी अनुमति के साथ ही चीन की मिसाइलों और स्पेशल फोर्सेस को काम पर लगाया जा सकता है।
तो आखिरकार जब खुद के नागरिकों पर हमला हुआ तो चीन बौखला गया है। वरना जब दूसरे देशों में हमले होते हैं, कोई भी आतंकी हमला होता है, तो चीन पाक का साथ देता है। पाकिस्तान और चीनी भाई भाई हो जाते हैं, लेकिन अपने नागरिकों पर जब हमला हुआ, जब अपने 6 नागरिकों की मौत हो गई, तो चीन का गुस्सा फूट गया आतंकवाद पर। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने शनिवार को कहा है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और होम क्वारंटीन में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बीमारी के हल्के लक्षण हैं। जावेद ने ट्वीट किया, सुबह मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। मैं अपनी पीसीआर जांच के नतीजे का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन सौभाग्य से मैंने टीका लगवा लिया था और लक्षण हल्के हैं। उन्होंने लिखा, अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो कृपया टीकाकरण कराने के लिए आगे आए। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट में लिखा, मैंने टीके की दोनों खुराक ले ली थी और अब तक मेरे लक्षण बहुत ही हल्के हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को जावेद 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी थे, लेकिन किसी भी व्यक्तिगत आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी कि वहां पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मिले थे या नहीं। वहीं टीकाकरण को लेकर जावेद ने कहा है कि अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो आप खुद को या अपने चाहने वालों को नहीं बल्कि एनएचएस की रक्षा भी करेंगे। 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए थे। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण के 51,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो 15 जनवरी के बाद सर्वाधिक आंकड़ा है। देश में महामारी से 49 और लोगों की मौत होने की खबर है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी का खतरा अभी टला नहीं है और अगर यही रुख बना रहा तो जानलेवा वायरस से संक्रमित अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या डरावने स्तर तक पहुंच सकती है। प्रोफेसर क्रिस वीच ने कहा है कि सोमवार से लोगों को सभी पाबंदियों का सजगता के साथ पालन करना ही होगा। वीच ने कहा है कि कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या करीब हर तीसरे दिन हफ्ते में दोगुनी हो रही है और अगर ये रुख बरकरार रहा तो आंकड़े खासे भयावह हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि कोविड-19 की वजह से लोग कानूनी लॉकडाउन पाबंदियों से तथाकथित आजादी के दिन 19 जुलाई के नजदीक आने के बावजूद वे चीजों को अविश्वसनीय रूप में धैर्य धारण करते हुए देखें। उन्होंने साइंस म्यूजियम के आयोजित एक वेबिनार में कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें उस तथ्य की अनदेखी करनी चाहिए कि आश्चर्यजनक तेजी के साथ मुसीबत में फंस सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से अभी इससे बाहर नहीं आए हैं। टीकाकरण कार्यक्रम, दवाओं और कई दूसरी विविध वजहों से हम बेहतर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में अभी ये लंबा चलेगा और वैश्विक स्तर पर तो और भी ज्यादा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इंग्लैंड में अधिकतर लोग अगले हफ्ते से कानूनी बाध्यता नहीं होने के बावजूद बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल कर एहतियातों का पालन जरूर जारी रखेंगे। तो ब्रिटेन में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विशेषज्ञ जो हैं चिंता जाहिर कर रहे हैं और आने वाली 19 जुलाई यानी कि कल, अब भी बताया जा रहा है कि वहां पर पाबंदियां लागू हो सकती हैं और जो भीड़भाड़ वाली जगह है वहां पर लोगों को मास्क लगाना ही होगा। बीस जुलाई 2021 को अंतरिक्ष उड़ान की दुनिया में एक नया इतिहास बनने वाला है। एक ही यान में दो ऐसे व्यक्ति जाएंगे जो वर्तमान समय का रिकॉर्ड बनाएंगे। पहला रिकॉर्ड होगा अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे युवा व्यक्ति, दूसरा रिकॉर्ड होगा अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। इन दोनों लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा पर ले जा रहे हैं अमेज़न के पूर्व सीईओ और ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस, जो इस उड़ान में अपने भाई मार्क बेजोस के साथ शामिल होंगे। 15 जुलाई यानी गुरुवार को जेफ बेजोस ने घोषणा की थी कि 28 मिलियन डॉलर्स यानी 208 करोड़ रुपए के नीलामी के विजेता को वो अपने साथ नहीं ले जा रहे। उन्होंने रनर अप ओलिवर डेमन को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना है। 18 वर्षीय ओलिवर दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति होंगे जो अंतरिक्ष की यात्रा करने जाएंगे। कंपनी ने कहा है कि ओलिवर ने ब्लू ओरिजिन कंपनी को उड़ान के लिए पैसे दिए हैं। वो पहले कस्टमर हैं, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि ओलिवर ने कितने पैसे में टिकट खरीदा है। कोविड-19
कोविड-19 रोधी टीकों के कारण कुछ कारोबारियों ने टीका लगवा चुके उपभोक्ताओं को अपने परिसर में आने से प्रतिबंधित कर दिया और उनका मानना है कि टीके से दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है, जिसके बाद वायरल शेडिंग और अन्य चिंताएं पैदा हो रही हैं। वायरल शेडिंग प्रक्रिया के दौरान ऐसा हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति किसी भी लक्षण का अनुभव ना करे, लेकिन वे बातें करते, सांस छोड़ते और खाते और अन्य सामान्य दैनिक गतिविधियों के दौरान संक्रमण फैला रहे हों। हमने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी न्यू साउथ वेल्स शहर मुलुबिम्बिंकी और क्वींसलैंड में गोल्ड कोस्ट में यह देखा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय रूप में यह भी देखा कि अमेरिका में एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को इसी वजह से टीका लगवा चुके अपने माता पिता को गले ना लगाने को लेकर आगाह किया है। लेकिन कोविड टीके किसी भी जीवित वायरस को प्रसार के लिए नहीं रखते। कोविड टीके के बाद वायरल शेडिंग के मिथक को तोड़ने के लिए विज्ञान में यह बात कही गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी कोविड-19 रोधी टीकों के बारे में अपने मंचों पर भ्रामक सूचना को फैलाने से रोकने में नाकाम रहकर लोगों की जान ले रही है। बाइडेन की टिप्पणियां तब आई हैं जब एक दिन पहले अमेरिका के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने टीकों के बारे में गलत सूचना को जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया था। अमेरिकी अधिकारियों ने सलाह दी है कि इन टीकों से वायरस से मौत और गंभीर रूप से बीमार पड़ने में लगभग पूरी तरह बचा जा सकता है। बाइडेन से पूछा गया कि क्या उनके पास फेसबुक जैसे मंचों के लिए कोई संदेश है जहां कोरोना वायरस टीकों के बारे में गलत या भ्रामक सूचना फैल रही है। इस पर उन्होंने कहा कि वे लोगों की जान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ उन लोगों में महामारी है जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। मूर्ति ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 के बारे में गलत सूचना जानलेवा है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी समस्या के बारे में ऐसी अत्यधिक सूचनाएं बताया है जो आमतौर पर अविश्वसनीय होती हैं, तेजी से फैलती हैं और जिससे किसी समाधान पर पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को बेताब हैं। श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों के 6 मैचों की सीरीज रोमांचक होने की संभावना है, जिसकी शुरुआत रविवार को पहले वनडे मैच से होगी। कोलंबो में यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। श्रीलंकाई टीम में कोविड-19 के कुछ मामले आने के बाद यह सीरीज 5 दिन देर से शुरू हो रही है। सीरीज में 3 वनडे और इतने ही T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। दासुनाथ शनाका पिछले 4 सालों में टीम में 10वें कप्तान होंगे तथा धनंजय डिसिल्वा और तेज गेंदबाज दुष्मंथा शमीरा को छोड़कर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है जो शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दे सके। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है, लेकिन इससे पहले कोरोना वायरस के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। रविवार को खेलगांव में रह रहे 2 एथलीट कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने इस बात की पुष्टि की है। इससे पहले भी शनिवार को इस आयोजन में भाग लेने आए एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दरअसल ओलंपिक खेलगांव में रह रहे 2 खिलाड़ियों सहित कुल 3 खिलाड़ियों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। यह पहला अवसर है जब खेलगांव में रह रहे खिलाड़ियों को संक्रमण हुआ है। आयोजकों ने खिलाड़ियों की पहचान उजागर नहीं की है। तीसरा खिलाड़ी खेलों के लिए नामित होटल में ठहरा हुआ है। आयोजन समिति ने यहां कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की जो सूची जारी की है उसके अनुसार दिन में कुल 10 मामले सामने आए हैं। इनमें खेलों से संबंधित 5 व्यक्ति, 1 ठेकेदार और 1 पत्रकार भी शामिल है। समिति के रिकॉर्ड के अनुसार खेलों से जुड़े कोविड मामलों की संख्या 55 पर पहुंच गई है। आयोजकों ने यह नहीं बताया कि दोनों संक्रमित खिलाड़ियों को खेलगांव में ही रखा गया है या उन्हें किसी अन्य स्थान पर भेजा गया है। तो टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से 2 एथलीट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाए गए थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार। केस में उछाल आ रहा है। शनिवार की बात करें तो यहां